अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सरहीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सर मीडिया। आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जो बर्मा की स्टेट ऑफ कंट्रोलर थी जिनका नाम है आंग सान सू ची, जो उसकी जो गवर्नमेंट थी उसको जो बर्मा की मिलिट्री है उसकी फ़ौज है जो उसने उसकी गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया है और जो बर्मा है यानी जिसे म्यांमार कहते हैं उसका कंट्रोल म्यांमार की फ़ौज ने संभाल लिया है। उन्होंने जो आंग सान सू ची की गवर्नमेंट है उसका तख्ता उलट दिया है और बर्मा का कंट्रोल जो है वो बर्मा की आर्मी ने संभाल लिया है। हम इसकी वजह आपको बताते हैं कि इसकी वजह जो आर्मी ने बताई है वो ये कहा है कि जो आंग सान सू ची थी इन्होंने जो है वो स्टेट के जो हालात थे उसे ठीक नहीं किए, अच्छी तरह गवर्नमेंट नहीं चल रही थी, करप्शन थी, अकरबा परवरी परवान चढ़ रही थी, इसी वजह से एक साल के लिए उन्होंने जो कमांडर इन चीफ हैं उन्होंने मुल्क का कंट्रोल अपने अंडर ले लिया है और उन्होंने इस बात का ऐलान बर्मा की सरकारी टीवी से करा दिया है कि एक साल तक जो है वो कंट्रोल बर्मा की आर्मी के पास रहेगा। अमेरिका के जो स्टेट ऑफ सेक्रेटरी हैं उन्होंने इसकी बहुत ही मजम्मत की है, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में आगे क्या सूरत हाल इख्तियार होती है। तो हमारी वीडियो को अगर आपकी अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।